ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक ऐसे मील के पत्थर की बात कर रहा हूं जो भारत के विकास का मील का पत्थर साबित हुआ और अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया ने भी हमारा लोहा माना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा में उपग्रहों एवं प्रमोचक रॉकेटों का समेकन तथा प्रमोचन किया जाता है। इस तरह से इसके कई विभाग और निकाय स्थापित हो चुके हैं और समय समय पर इसरो के अध्यक्ष द्वारा जो है इसके विभिन्न निकायों का विकास किया जाता है और जहां इसकी आवश्यकता होती है और इसमें नए आयाम स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरन और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए एक प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। इस तरह से अपनी तकनीक प्रगति के साथ इसरो देश में विज्ञान और विज्ञान संबंधी शिक्षा में योगदान देता है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में सामान्य प्रकार्य में सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान और तारा, बहुत की वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान है। इसरो की स्थापना के बाद भारत का नाम समूचे विश्व में अंतरिक्ष पर अपने अधिकार स्थापना से और भी व्यापक हो गया है और वास्तव में इन सारी अत्याधुनिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जब देश के सामने हर क्षेत्र में नया रास्ता बनाने और अपना मकाम हासिल करने की चुनौती थी, उस समय देश के महान वैज्ञानिक श्री विक्रम साराभाई जी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। ये विक्रम साराभाई ही हैं जिन्होंने आज अत्याधुनिक इसरो को जन्म देने के लिए भूमिका तैयार की और भारत अंतरिक्ष जगत में अहम ताकत बनकर उभरा। ऐसी महान विभूतियों ने ही आजाद भारत के सपनों को मजबूती दी। संयोगवश आज 30 दिसंबर है और आज श्री विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि है और ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे महान देशभक्त के लिए जिन्होंने इस देश को ऊंचाइयों पर खड़ा किया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक श्री विक्रम साराभाई को सादर वंदन। देश के विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।